जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी को पता है कि आज 20 जून के दिन जगन्नाथ रथ यात्रा जो है उड़ीसा पुरी में आरंभ हो चुकी है। इस रथ यात्रा को मजार पर रोका जाता है। क्यों रोका जाता है जानते हैं। कहा जाता है इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। यह मजार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहां से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार है जहां इसे रोका जाता है। यहां कुछ देर रथ के रुकने के बाद फिर रथ आगे बढ़ता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को यहां क्यों रोका जाता है इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। द क्विंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी। उसको एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। मां हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफी भक्ति थी लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया जाता है कि सालबेग काफी दिन वृंदावन में भी रहे और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन देने की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गया। वहां भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी ये परंपरा चली आ रही है। हालांकि ये तथ्य पौराणिक कथाओं के आधार पर ही आधारित है और ये कहानियां पुरी के रहने वाले लोगों ने और वहां पर आने वाले लोगों ने ही बताई है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय श्री हरि लिखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज 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 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।